उज्जैन वडनगर तहसील के सबसे बड़े आबादी क्षेत्र में आने वाली ग्राम पंचायत खरसोत कला में भ्रष्टाचार, अनियमितता और लापरवाही की शिकायत उज्जैन के सांसद अनिल फिरोजिया के पास लिखित पत्र के माध्यम से की गई थी। ग्रामीणों के द्वारा साथ ही जांच करने की मांग भी की गई थी, पर इस ग्राम पंचायत की सरपंच और उनके प्रतिनिधि ललित जानी का कहना है कि वडनगर तहसील की सबसे बड़ी ग्राम पंचायत होने की वजह से हमने प्रशासनिक अधिकारी सहित राज्य सरकार से मांग की थी कि यहाँ पर सर्व सुविधा युक्त पंचायत भवन बनाया जाए। उसी के तहत भवन स्वीकृत हुआ, जहाँ पर लाइब्रेरी और अन्य सुविधाओं से कंप्लीट होकर ग्राम पंचायत भवन बनाया जाएगा। इसके सारे दस्तावेज, सारी स्वीकृति, परमिशन वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश मार्गदर्शन के बाद ही काम शुरू किया गया है और इसमें कोई लापरवाही, कोई भ्रष्टाचारी नहीं है। कुछ ग्रामीणों ने जो लिखित में शिकायत उज्जैन सांसद अनिल फिरोजिया के पास की है, वह असत्य, झूठी और निराधार है। बच्चा, अभी विगत दिनों कुछ घोटाले को लेकर जो है सोशल मीडिया और प्रिंट मीडिया पर बयानबाजी हो रही है और कुछ अखबार पत्रों में सुर्खियां भी हैं। किस प्रकार से क्या पूरा मामला है और क्या है? जिन लोगों ने जो आरोप लगाए, ये सबसे पहले तो गलत है, क्योंकि एक उनका एक आरोप लगा, उसमें आपने भी पढ़ा हो तो पेपर वाले भी जानते हैं, जनता भी जानती है, उसमें लिखा है कि पंचायत स्वीकृति 1000 स्क्वायर फीट की और निर्माण हो रहा है 10000 स्क्वायर फीट। तो सोचने की ये बात है कि पैसा 1000 स्क्वायर फीट में ज़्यादा लगता है या 10000 में। पहली बात तो यहाँ क्लियर होती है, क्योंकि पैसा हमेशा जितना स्क्वायर फीट ज़्यादा निर्माण होगा उतना लागत उसमें लगेगी। पहला झूठ तो ये उनका। बाकी कहते हैं लाखों के भ्रष्टाचार है, तो भैया आरोप जब लगते हैं जब सिद्ध होते हैं। पहले या तो भ्रष्टाचार हुआ उसको सिद्ध करें, क्योंकि लोग कुछ गलत काम के लिए मेरे को दबाव बना रहे हैं और मैं सरपंच प्रतिनिधि हूँ, महिला सरपंच है। मैं ऐसा नहीं चाहता कि मेरे कार्यकाल में कोई गलत काम हो। वैसे क्षेत्रीय सांसद अनिल फिरोजी की भी शिकायत की गई है पत्र के माध्यम से कि कांग्रेसी सरपंच हैं और इस प्रकार से घोटाले किए जा रहे हैं, वो सांसद जी के पास भी लिखित में शिकायत की गई। सांसद जी को भी मैं अवगत करा दूंगा, माननीय प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी चौहान ने एक बात कही थी थोड़े दिन पहले कि प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाऊंगा। मैंने भी सोच लिया यार, मेरी भी पंचायत आत्मनिर्भर बने, उसमें क्या गुनाह किया। भाई साहब, उज्जैन सांसद अनिल फिरोजिया के पास भी शिकायत की गई है पत्र के माध्यम से, घोटाला किया जा रहा है पंचायत में, और किस प्रकार से क्या पूरे मामले हैं और क्या है? जी देखिए, हम तो जो भी कार्य कर रहे हैं वो सभी स्वीकृति उपरांत ही किए जा रहे हैं और आज तक ग्राम पंचायत में किसी तरह का कोई घोटाला नहीं है। जो भी शिकायत कर रहे हैं लोग, वो गलत तरीके से पेश कर रहे हैं, वास्तविकता कुछ और है, बता ही नहीं रहे हैं। जिस प्रकार की स्वीकृति मिली उसी प्रकार के कार्य किए जा रहे हैं और मापदंड में किए जा रहे हैं। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए उज्जैन से वीरेंद्र शर्मा की रिपोर्ट।